चलिए चलिए, इफ पीपल रिमेंबर लास्ट क्लास में वी स्टडीड दिस नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो, इजंट इट? थोड़ा सा मैंने स्कैन अप किया था, फाइनेंस के वर्ल्ड में तो वो फॉर्मूला चल जाता है जो मैंने आपको पढ़ाया था, बट बिकॉज ये सीबीएसई एनसीआरटी फॉलो करता है, एनसीआरटी बोलता है सीबीएसई को कि आप हमें ही फॉलो करिए, ये उनकी सगी संतान है, तो एनसीआरटी ने एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आई वुड लाइक एवरीबडी टू प्लीज पुट दैट फॉर्मूला as a part for your study and calculation of net assets turnover ratio. And iske baad jo hum ek ratio padhenge, that would be fixed assets turnover ratio. So you must be having ample of space in net assets turnover ratio. Aap wahan pe likh lijiyega aur next column mein ya usi ke niche you can easily write fixed assets turnover ratio as well. So please put the meaning first and foremost, children. It establishes the relationship between revenue from operations OR or net revenue from operations. Why I am dictating both? Because children, CBSE book bolti hai operations jo revenue from operation lena hai wo gross lena hai, but gross word kahin likha nahi hai, baki sab formulo mein net word likha hua hai, to isse clear ho jata hai ki agar isme bhi net lena tha to they should have written, but exam mein generally question mein aapko sirf RFO milega if they want you to calculate net assets turnover. By chance you get returns as well, तो आप sale return minus कर दीजिएगा, दोनों तरह से calculate करिएगा, taking RFO also, that is gross, and taking net RFO also. Operations यहां तक अपडेट करिए चलन, and the text is capital employed. Then we'll put the formula. Be quick to this, children. Put the formula. Put the formula, children. It's revenue from operations because the NCERT book says so. Divided by capital employed. Then we'll put the components. Revenue from operations is as good as sales, children. Second component you can write cash RFO plus credit RFO. If people remember modified statement, children, मैं यहां पर draw कर रहा हूं, net RFO में we used to subtract CORFO, isn't it? Answer क्या आता था? GP. Children, if I give you GP and CORFO, won't you be able to find RFO or net RFO? So it is gross profit plus cost of revenue from operations. क्योंकि ग्रॉस आरएफओ की हम बात कर रहे हैं तो आप आरएफओ रिटर्न्स को भी एड बैक कर सकते हैं. इज दिस मच अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? चिल्ड्रन अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? यस सर. यस सर. अहेड. तो चलो नेक्स्ट वी विल पुट द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहां पे हमें काम क्या आएगा? एवरीबडी नो चिल्ड्रन, हमें काम आएगी अपनी मॉडिफाइड बैलेंस शीट. इफ पीपल रिमेंबर एस एफ एन सी एल सी एल, लोग कहेंगे सर सुन सुन के कान पक गया सर एकदम, एन सी ए सी ए एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड चिल्ड्रन इज द टोटल ऑफ दीज टू, करेक्ट? तो कॉम्पोनेंट्स में अब आप लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड द फर्स्ट फॉर्मूला चिल्ड्रन, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज,
The second formula is, children, total liability minus current liability. Am I correct? Yes. इस टोटल में से आप इसको उड़ा दीजिए तो यही बचेगा. इफ आई हैव रिटन टोटल लायबिलिटी आई कुड राइट टोटल असेट्स एज वेल. व्हाटसोएवर इज द टोटल ऑफ असेट्स चिल्ड्रन सेम वुड बी द टोटल ऑफ लायबिलिटी. सीएल उड़ा दिए तो क्या बचेगा हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड. सो माइनस सीएल कर देंगे. फोर्थ फॉर्मूला चिल्ड्रन, नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट इज टोटल असेट अगेन. व्हाटसोएवर इज योर टोटल असेट दैट इज एज गुड एज योर टोटल लायबिलिटी. किसको उड़ाना है आपको? करंट लायबिलिटी को उड़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा. थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट डाल देते हैं चिल्ड्रन. इस परिवार को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो द फोर्थ फॉर्मूला, एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल. Understood this? Yes, sir. Yes, sir. और फॉर्मूला लिख देते हैं. एक और बड़ा मजा आएगा आपको इस फॉर्मूले में. चिल्ड्रन, द टोटल ऑफ एनसीएल एंड सीएल इज व्हाट? टोटल डेट. अगर मैं टोटल डेट में से सीएल माइनस कर दूं चिल्ड्रन तो क्या बचेगा? NCL. और इसमें प्लस कर दूं एसएफ तो ये भी फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का आ गया. Yes, समझ में आई बात? आई रिपीट. इफ फ्रॉम दिस टोटल चिल्ड्रन हम सीएल को उड़ा दें तो क्या बचेगा? NCL. और फिर इसको जोड़ दें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा कि नहीं? सिंपल, सिंपल एज दैट. चलिए क्विकली डू दिस. सो सबको ये बात समझ में आई बच्चों? Quickly complete this fast. As soon as it is done, put your hands up. Fixed assets turnover ratio. ये बड़ा आसान है. इसमें कोई problem नहीं है. Write the meaning, children. It establishes the relationship. Between net revenue from operations and net fixed assets. Understood this? Put the formula. It is net revenue from operations divided by net fixed assets. When we say net fixed assets, we mean to say after charging depreciation. Refer adjacent column, likh lijiye net RFO ke liye. Or you can simply write as studied earlier. For children, net fixed assets, we can have the first formula. Fixed tangible assets minus depreciation plus fixed intangible assets. The second formula, property, plant and equipment minus depreciation plus property, plant, equipment and intangible assets. The second formula is suitable for IC students more. क्योंकि CBSE ने इस year अभी ये change incorporate किया नहीं है, ये अगले साल से आ रहा है वहां पे. Then children, you can write total assets minus current assets. If I say total assets, children, I can equally be saying total liability as well. जो total liability का होगा वही total asset का भी होगा. तो आप उसमें से भी अगर current assets minus कर देंगे तो आपका answer non-current asset पे ही land करेगा. आके समझ गए? Total liability अगर हम बात करते हैं children, तो we happen to say shareholder funds plus non-current liability minus current liability.
यस और नो? टोटल लाइबिलिटी में तीनों आता है, तो सो कॉल्ड, जब आप टोटल लाइबिलिटी लिखना चाहें, या इफ आई से ओ सॉरी 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 एस एफ प्लस एन सी एल प्लस सी एल, सॉरी वो मेरे दिमाग में सी ए चल रहा था, ओके माइनस कर देंगे इसमें से सी ए, तब भी आपका आंसर क्या बचेगा? नॉन करंट एसेट। कैसे सर? अरे भाई इन तीनों का टोटल वुड बी टोटल लाइबिलिटी, उसमें से आप करंट एसेट हटा दीजिए, नथिंग डन, सिर्फ मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। द नेक्स्ट फॉर्मूला चिल्ड्रन, द नेक्स्ट फॉर्मूला, शेयरहोल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी कुड बी कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड प्लस सी एल माइनस सी ए है, रिमेंबर प्लस सी एल माइनस सी ए, हैड इट बीन प्लस सी ए माइनस सी एल वी वुड बी कॉलिंग इट एज वर्किंग कैपिटल। यहां पे है तो वर्किंग कैपिटल बट इट इज माइनस में, बट इट इज माइनस में, क्योंकि प्लस सी एल है माइनस सी ए है। धमाकेदार फॉर्मूला था ये, समझ में आ गया? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दीजिए, तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चला आता है। समझ में आ गया? जिन लोगों के थोड़ा सा सिर के ऊपर से चला गया, उनके लिए मैं चूरन अरेंज कर देता हूं। चूरन आपके सामने है। शेयर होल्डर फंड्स नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी साउंड्स टू बी द टोटल, नॉन करंट असेट, करंट असेट साउंड्स टू बी योर टोटल असेट। हमें अपने मतलब के लिए क्या चाहिए बच्चों? नॉन करंट असेट्स। लेट्स प्ले द गेम फास्ट। व्हाटसोएवर इज द टोटल ऑफ असेट चिल्ड्रन, उसमें से इसको उड़ा दीजिए, क्या बचेगा? ये वाला फॉर्मूला है। व्हाटसोएवर इज द टोटल ऑफ लाइबिलिटी, वही असेट का टोटल होगा। व्हाट्सोएवर इज द टोटल ऑफ असेट चिल्ड्रन, वही सॉरी व्हाट्सोएवर इज द टोटल ऑफ लाइबिलिटी, वही असेट का टोटल होगा, उसमें से आप इसको उड़ा दीजिए, क्या बचेगा? नॉन करंट असेट। दिस प्लस दिस प्लस दिस इज व्हाट चिल्ड्रन? व्हाट्सोएवर इज द टोटल ऑफ लाइबिलिटी, दैट वुड बी द टोटल ऑफ, जो तेरा है वो मेरा है। समझ में आ गया? तो इन तीनों को आपने जोड़ा, ये आ गया, जो ये है वो ये है, तो इसमें से इसको उड़ा दीजिए, क्या बचेगा? ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया? चलो, टोटल लाइबिलिटी कैसे आया था बच्चों? इन तीनों को ऐड करके, इसको उड़ा दीजिए आप, आ गया ना फॉर्मूला? यहां तक कोई प्रॉब्लम चलन? चलिए, व्हाट इज एसएफ प्लस एनसीएल चिल्ड्रन? कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड में आप सीएल को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? जो ये टोटल है वो ये टोटल है, रिमूव दिस, व्हाट यू विल गेट? तो मैंने वही काम किया है लास्ट में एकदम, आई हैव टेकन कैपिटल एम्प्लॉयड, आई हैव टेकन चिल्ड्रन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें से मैंने सीएल को ऐड किया और सीए को माइनस किया, तो मेरा माइनस वर्किंग कैपिटल आएगा। डेरिवेशन इज क्लियर चिल्ड्रन? सीए माइनस सीए वर्किंग कैपिटल होता है, तो सीएल माइनस सीए नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से वर्किंग कैपिटल उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा? नेट फिक्स्ड एसेट्स। एग्जाम में इतना भयंकर फॉर्मूला मत लिखिएगा, एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा, कहेगा पता नहीं क्या बकवास लिखा हुआ है। गॉट इट क्लियर? पक्का? तो अगर आपको बैलेंस शीट दी हो, प्लीज डोंट प्ले द गेम विद द एग्जामिनर, किसी आ जाएगा काट देगा, ये बड़ा हाई फाई टाइप है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? लॉजिक समझ में आ गया? प्लीज कीप थिंग्स सिंपल। ये थोड़ा शशि थरूर टाइप फॉर्मूला है, उनकी इंग्लिश बहुत भयंकर है ना, वही एक इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी के बाद माने गए हैं जिनको सबसे ज्यादा इंग्लिश आती है, इवन इंग्लिश मैन फियर टू टॉक टू हिम, तो ये शशि थरूर टाइप है। समझ गए बच्चों? चलिए प्लीज अपडेट दिस, प्लीज अपडेट। तो चलन प्लीज राइट अ डिस्क्लेमर टू दिस, प्लीज राइट अ डिस्क्लेमर टू दिस। व्हाइल कंप्यूटिंग नेट फिक्स्ड असेट्स, इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट व्हाइल कंप्यूटिंग नेट फिक्स्ड असेट्स, it is to be remembered that we shall ignore long-term investments and
long term loans and advances, comma, other long term assets. Long term investments, long term loans and advances and other long term assets. सिर्फ fixed ही लेनी है, चाहे वो tangible हो चाहे intangible. Now you may ask your query. My part of the game is over. So children, आपके पास जो shop है जिसमें आप अपना business करते हो, it's purchased one. आपने खरीदा हुआ है. I repeat, आपने खरीदा हुआ है. Is that okay? आपने computer system भी लगाया है. Air conditioner is also installed. RO water purifier is there. मेरे पास भी शॉप है, शोरूम है, सब कुछ उसमें भी है. आपकी शॉप का जो टोटल एरिया है दैट इज अराउंड 400 स्क्वायर यार्ड्स, 3600 सो कॉल्ड फीट, यू कैन से स्क्वायर फीट. माइन इज जस्ट 100 स्क्वायर यार्ड्स. तो आपके शॉप का एरिया 400 स्क्वायर यार्ड्स है, मेरे शॉप का एरिया 100 स्क्वायर यार्ड्स. ऑब्वियसली ट्रू, आपकी शॉप पे ही फर्नीचर एंड फिटिंग ज्यादा होगा, ज्यादा अगर स्पेस है तो, और मेरी शॉप पे कम. कंप्यूटर दोनों के पास एक एक है. आपने दो एयर कंडीशनर लगवाए, मैंने एक लगवाया है. आपके यहाँ चार फैंस है, मेरे यहाँ एक फैन है. आपके यहाँ चार ट्यूबलाइट्स है, मेरे पास एक ट्यूबलाइट है. इज दैट क्लियर? फर्नीचर में आपके पास 10 चेयर्स है, मेरे पास 2 चेयर्स है. दोनों की सेल बराबर है. चिल्ड्रेन, हु इज एन इंटेलिजेंट बिजनेसमैन? ना 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 ना, आप इंटेलिजेंट है, मैं जीनियस हूं. लॉजिक समझ में आ गया? तो आप इंटेलिजेंट है, मैं जीनियस हूं. तो आपने देखा होगा रोड साइड कॉर्नर्स पे छोटा सा ठेला है, ढापली बोलते हैं जिसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज में, चाय बेच रहा है और साल भर का तो 15-20 लाख रुपए कमा रहा है. इट्स नॉट अ जोक. मैंने आपको शायद एग्जांपल दिया था नारियल पानी वाला. चल रहा है एक नारियल पानी में 20 रुपए का प्रॉफिट, एक्सपेंसेस काट के 15 रुपए का प्रॉफिट, 200 नारियल पानी दिन भर में बिक जाता है. डेली नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग 3000 रुपीज. 30 डेज का पूरा बिजनेस है इनका. संडे को ज्यादा नारियल पानी बिकता होगा, मान लीजिए 90,000 रुपीज चल रहे हैं. पूरे 12 महीने धंधा चलता है. 12 × 90,000 इज सर, 12 का टेबल इसीलिए पढ़ाया था टीचर ने. 1 लाख एक महीने का 90,000 प्रॉफिट है. 1,80,000 10 लाख रुपए नारियल पानी वाला कमा रहा है. समझ में? नो MBA, स्कूल भी नहीं गया ठीक से, 10th क्लास तक ही शायद पढ़ाई की थी या 12th के बाद डिसाइड कर लिया. और यहाँ पे बेटा IIT जा रहा है, IIT. उसके बाद किसी पेमेंट सीट पे पता ही नहीं लग रहा कि IIT की रैंक है कि एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर है 1746243952 18. एंड देयर आफ्टर डिड इंजीनियरिंग. उसके बाद एक छोटी मोटी बिजनेस चालू कर दिया. नारियल पानी तो नहीं बेचेगा ना भाई, बीटेक वाला, चाहे कहीं से भी किया उसने बीटेक. और उसके बाद सो कॉल्ड कितना कमा रहा है, 30,000 रुपए, या नौकरी कर रहा है वगैरह वगैरह. So this is the significance of fixed assets turnover ratio. Harvard University में चल रहे हैं, over 100 courses are being run, और उसका size University of Allahabad से 1/10 होगा. Campus size की मैं बात कर रहा हूँ चिल्ड्रेन. University of Allahabad में total 50 courses भी नहीं चलते हैं. Who is managing their assets better? Harvard University. Logic समझ में आया कि नहीं? Starting में ये जो राजधानी एक्सप्रेस है चिल्ड्रेन, राजधानी नाम क्यों रखा गया था? कंट्री की कैपिटल दिल्ली को कनेक्ट करेगा हर स्टेट की कैपिटल से. तो अगर आपने कोलकाता राजधानी का टिकट बुक कराया तो आप सो कॉल्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल से न्यू दिल्ली ट्रैवल कर सकते हो. ट्रेन बीच में हॉल्ट होती थी बट टिकट नहीं बुक होता था. आई रिपीट, टिकट नहीं बुक होता था. रेलवे को लगा कि भाई कोलकाता से कोई इंसान बैठा और उसने सो कॉल्ड डीबोर्ड कर दिया ट्रेन को अलाहाबाद पे. लॉजिक समझ आ रहा है? उसके बाद ट्रेन दिल्ली चली गई तो अलाहाबाद टू न्यू दिल्ली वो सीट खाली गई रेलवे की. आई रिपीट, वो सीट रेलवे ने रूल में चेंज किया. कोलकाता से दिल्ली का रिजर्वेशन होगा, कोलकाता से इन बिटवीन प्रायर दिल्ली कहीं तक का भी ले लीजिए, कहीं से भी दिल्ली तक का होगा. कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एनीवेयर या एनीवेयर से एंडिंग पॉइंट, एनीवेयर टू एनीवेयर नहीं होगा. अलाहाबाद टू कानपुर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कोलकाता टू कानपुर मिल जाएगा, कोलकाता दिल्ली कोलकाता अलाहाबाद मिलेगा, कानपुर न्यू दिल्ली मिलेगा. एक साइड रिजर्वेशन आपका कैपिटल सिटी पे होना चाहिए. अभी रेलवे का ये रूल पिछले 8-10 साल से आ गया है तो रेलवे के रेवेन्यूज बढ़ गए. ये सुब्रत राय सहरा जी को सिखाना पड़ा था, हमारे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी को. ओके, बाकी इसकी कहानी मैंने आपको बताई हुई है.
ये है चिल्ड्रन फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो का एग्जांपल. व्हाई टू लेट आर असेट्स वेस्ट. हमारे इंडिया में कुछ केंद्रीय विद्यालय चिल्ड्रन उन स्कूल्स का ही फिक्स असेट्स टर्नओवर सबसे ज्यादा है. क्यों? मेजोरिटी ऑफ देम रन इन टू शिफ्ट. एक मॉर्निंग शिफ्ट चलता है उनका और एक इवनिंग शिफ्ट चलता है. वर्ल्ड वाइड जिन कंट्रीज में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, अनलाइक इंडिया, हमारे पास तो बहुत बड़ा है, तो सो कॉल्ड वहां पे भी स्कूल कॉलेजेस दो शिफ्ट में चलते हैं. यूनिवर्सिटीज में ऐसा बहुत जगह होता है, बट मेजॉरिटी जिन स्कूल्स में आप पढ़ते हैं जनरली इट रन्स ओनली सिंगल शिफ्ट. तो आधा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो तो वैसे ही बैंड बजा हुआ है. समझ में आ गया? आपके साथ भी ऐसा होता है, आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए. 2 hours अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप अपने फिक्स्ड असेट ब्रेन को एकदम सो कॉल्ड फ्यूज असेट बना रहे हैं. फिक्स्ड असेट बिकम्स फ्यूज्ड असेट. लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का कंफर्म क्लियरली अंडरस्टूड? तो थोड़ा सा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो अपना बढ़ाइए. जब आपके पास एम्पल ऑफ टाइम हो, डू सम एक्स्ट्रा स्टडी, एक्स्ट्रा कोर्सेज एंड ऑल दैट. मैंने आपको ग्रुप पे एक बुक भी दी हुई है, बहुत बढ़िया, उससे कुछ क्वेश्चन लगाया करिए ताकि आपका इटसेल्फ फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ जाए. योर फिक्स एसेट शुड नॉट बिकम अ फ्यूज्ड असेट. अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा, मतलब हम अपनी एसेट्स को उतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं. ओके? अभी मेरे एक कोलीग है, उनको एयर कंडीशनर परचेज करना था, तो दे सेड कि सर इन्वर्टर एसी लें कि नॉन इन्वर्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किसमें कम होता है? मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दोनों में होता है. कह रहे सर लोग कहते हैं इन्वर्टर एसी में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है. मैंने कहा बेवकूफ है लोग, इफ यू यूज इट फॉर लॉन्ग आवर्स तब आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है. 2-4 hours चलाना तो कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? तो डीजल कार इज बेटर और पेट्रोल कार इज बेटर, इट डिपेंड्स. If you have to run the car for longer duration, ज़्यादा kilometers per day आपका driving है, तो diesel car is good. Got it clear? Else, अगर आपने diesel car खरीद ली, हफ्ते में आप एक दिन outing करने जाते हो, 30-40 kilometers चलाते हो, तो longer life में उसका repair maintenance expensive होता है. Understood this? Yes. समझ में आया कि नहीं? पक्का? Yes. Confirm? Yes. Clearly understood? Yes. तो 30 rupees का भुट्टा भी है और 30 rupees का burger भी है. Obviously true, हम Indians हैं, तो we'll eat. कौन फ्रूट खाएंगे? भुट्टा खाएंगे हम लोग. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई चिल्ड्रेन? क्योंकि दांत तो उतने ही यूज होंगे, भुट्टे से पेट ज्यादा भर जाएगा. फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो. समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपने स्मार्ट टीवी खरीद लिया, साथ में एक सीपीयू खरीद लिया, तो वो स्मार्ट टीवी टीवी का भी काम कर रहा है और कंप्यूटर का भी काम कर रहा है. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगा. लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? सिग्निफिकेंस लिखवाने की जरूरत है तोते की तरह. हायर द रेशियो, बेटर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स. आपको मैं बुकलेट्स देता हूं बच्चों, व्हाट इट क्लियर? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी जो प्रिंटिंग है फेड आउट हो जाएगी. डोंट थ्रो देम, डोंट सेल इट टू द कबाड़ी. जब कॉलेज में जाएंगे इसको रफ बुक की तरह इस्तेमाल कर लीजिएगा आगे पीछे. समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? पक्का काम आ जाएगा. चलिए क्विकली चलन, क्विकली. If there is any query, please.